लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। कल दिनांक 6 सितंबर को पीडी जैन इंटर कॉलेज में केंद्रीय मंत्री रतन सिंह कटारिया का कार्यक्रम है। इसके निरीक्षण को सीओ सिटी कुंवर पंकज, सीओ सदर, वाईएसटीएम सदर पीडी जैन कॉलेज पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। नगर निगम की टीम भी यहां रही मौजूद। फिरोजाबाद के पीडी जैन इंटर कॉलेज में केंद्रीय मंत्री रतन सिंह कटियार का आगमन हो रहा है। इस मौके पर मंत्री 1000 विकलांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी और यहां पर करेंगे। कार्यक्रम को सही ढंग से कराने के लिए प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी मौके पर नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी मौका मुआयना करने पहुंचे। सीईओ सदर बलदेव सिंह ने बताया कि कल केंद्रीय मंत्री रतन सिंह कटियार जी का आगमन यहां होना है और किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसकी तैयारियों का हम लोगों द्वारा मौका मुआयना किया जा रहा है। 1000 विकलांगों को ट्राईसाइकिल वितरित होनी है और विकलांग लोगों को आने में असुविधा ना हो इसकी पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। ये कल यहाँ पर केंद्रीय सरकार के माननीय मंत्री जी श्री रतनलाल कटारिया जी, जल संसाधन राज्य मंत्री, यहाँ पर पधार रहे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर 1000 विकलांगों को यहाँ पर ट्राईसाइकिल वितरण की जाएगी और कुछ जो कान से बधिर हैं उनको भी जो है मशीन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर जो जिला विकलांग अधिकारी हैं उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर आज हम ये देखने आए हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है ट्राईसाइकिलों की, को यहाँ पर लोगों को देने के लिए किस प्रकार से यहाँ आसानी से उनको दिया जाए ताकि कोई असुविधा ना हो। ट्रैफिक की व्यवस्था हम देख रहे हैं कि कहाँ पर यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पर कराई जाएगी। जो सामने हमारा रोड है इनको, जो हमारे विकलांग भाई है जिनको ट्राईसाइकिल वितरण की जाएगी, तो उनको आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए यहाँ पर ये विचार विमर्श किया जा रहा है कि जो सड़क है वो निर्बाध खाली रखी जाए ताकि आने जाने में कोई असुविधा ना हो। और यहाँ पर जो ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं जो हमने यहाँ आमंत्रित किए हैं विकलांग बंधुओं को, तो उनको किस प्रकार किस ब्लॉक में बैठाया जाएगा, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था की जाएगी, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। कितना पर्याप्त पुलिस बल लगेगा क्योंकि यहाँ पर उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा, तो यहाँ पर उनको खाना वितरण किया जाए ताकि कोई असुविधा ना हो, कोई अराजकता ना हो। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर आज हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब और SDM साहब, हम और जो यहाँ पे जो कार्यक्रम के अधिकारी लोग हैं सब इस बात को देखें। आईवी इंटरनेशनल स्कूल फिरोजाबाद में शानदार खेल का मैदान, छोटे बच्चों के लिए खेलों की विशेष सुविधाएं, 60 कंप्यूटर सहित युक्त कंप्यूटर लैब, संगीत की अलग से शिक्षा, नृत्य सिखाने के लिए अलग से व्यवस्था, साइंस लैब, लाइब्रेरी की सुविधा आदि सुविधाओं के साथ संपूर्ण शिक्षा एवं बच्चों में संपूर्ण विकास के लिए समर्पित।